नमस्कार, मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। लोग इसमें विवादास्पद हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि ये भगवान ने गलत बोला कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्, यानी कर्म में हमारा अधिकार है फल में नहीं। ठीक है, तो ये और आपका विरोधाभास इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला कि भैया आपका कर्म में अधिकार है, आप कर्म ईमानदारी के साथ करो, फल में आपका अधिकार नहीं है। फल तो वो मिलेगा जो भगवान चाहेगा, अच्छा होगा तो अच्छा मिलेगा, बुरा होगा तो बुरा मिलेगा। उन्होंने ये इस वजह से कहा कि भैया अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो आपको फल भी अच्छा मिलेगा, कर्म बुरा होगा तो फल बुरा मिलेगा, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से परिणाम में विचार नहीं करना चाहिए। ये उनका कथन था। तो उसी तरीके से आप भी अपना कर्म अच्छा करो तो आपका भी फल अच्छा मिलेगा, ये मेरी उम्मीद है। इसी वजह से आज मैंने ये बोला कि भैया कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित्। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। बहुत दिन से रीजनिंग की क्लास नहीं हुई थी, तो आज मैंने सोचा कि आज आपके सामने रीजनिंग की क्लास लेके आते हैं। तो आइए बढ़ते हैं। रीजनिंग की क्लास में हम लोग सीख रहे थे डायरेक्शन टेस्ट। अगर आप लोगों ने डायरेक्शन टेस्ट नहीं पढ़ा है, शुरुआत से नहीं पढ़ा है, तो पहले शुरुआत वाले वीडियो देख लेना, फिर इसको देख लेना तो और समझ आएगा। अब आ गए हैं तो इसको पहले देख लेते हैं। और मैंने इसमें रीजनिंग में कैलेंडर पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, आपको देखेंगे रीजनिंग बाई शिव द्विवेदी, तो वहां से आप देखेंगे कि हमारे कैलेंडर के चार पांच छह पार्ट पड़े हैं, उसे आप सीख लेंगे। ठीक है, कैलेंडर पूरा। फिर उसके बाद हमने दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, दिशा परीक्षण स्टार्ट किया है। तो दिशा परीक्षण में हम लोगों ने बहुत चीजें पढ़ ली हैं, पार्ट तीन तक हो गए हैं। आज हम पार्ट चौथे पे बात करेंगे। हम लोगों ने सीख लिया है कोण कैसे निकालते हैं भैया, और हमारे पास सब डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, ये सब चीजें हम लोगों ने सीखी थी। अब आज हम लोग सीखेंगे एक पॉइंट, जब दिशाएं बदल जाती हैं। क्या होता है जब दिशाएं बदल जाती हैं तो क्या होता है, ध्यान से समझना। जब दिशाएं बदल जाती, ठीक है, यदि कोई दिशा जिस एंगल कोण के साथ दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाई जाती है तो उसी के अनुसार सभी दिशाएं उतने ही एंगल से घूम जाती, उतने ही एंगल से क्या हो जाती है, घूम जाती। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या, कि यदि कोई दिशा जिस एंगल कोण के साथ दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाई जाती है तो उसी के अनुसार सभी दिशाएं उतने ही एंगल से घूम जाती हैं। जैसे अगर कह दिया जाए, हमारे पास जो डायरेक्शन होती हैं ऐसी होती हैं, अगर आपसे कह दिया जाए ये उत्तर है, ये आपका दक्षिण है, ये आपका पूर्व है, ये आपका पश्चिम है। अगर आपसे कह दिया जाए कि भैया हम उत्तर को पूर्व कहेंगे, क्या कहेंगे, उत्तर को पूर्व कहेंगे तो पश्चिम को क्या कहेंगे, ये अगर आपसे क्वेश्चन कह दिया। ठीक है, ये आपका एक सुंदर सा क्वेश्चन है, कहता है उत्तर को पूर्व कहेंगे तो उत्तर को कितना घुमाया गया, उत्तर को हम दक्षिणावर्त घुमा रहे हैं कितना, 90 डिग्री। दक्षिणावर्त हम कितना घुमा रहे हैं,
90 डिग्री घुमा रहे हैं। पूछा क्या गया है कि हम पश्चिम को क्या कहेंगे, तो पश्चिम को हम दक्षिणावर्त घुमा दें। पश्चिम को अगर हम दक्षिणावर्त घुमाएंगे तो ऐसे घूमेगा, और पश्चिम पश्चिम को क्या कहने लगेंगे हम, उत्तर कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे, उत्तर कहने लगेंगे। कैसे हमने किया, उत्तर को उसने पूर्व कहा तो उत्तर को कितना घुमा रहा था, 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा रहा था। हमसे पूछा क्या गया, पश्चिम पूछा गया, तो हमने पश्चिम को भी दक्षिणावर्त कितना घुमा दिया, 90 डिग्री घुमाया, तो कहां पहुंच गए, उत्तर पे पहुंच गए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को आप समझ पाए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लेना, इसको इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझ लेना कि भैया अगर दिशा में चेंजमेंट की बात करेगा, दिशा में परिवर्तन की बात करेगा, तो हम लोग सिंपल सा ये याद रखेंगे कि जितना दिशा घुमाई जाएगी उतना जो दिशा पूछी जा रही है उसको उतना ही घुमा दिया जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बात आपके माइंड पे घूम रही होगी कि भैया दक्षिणावर्त क्या, दक्षिणावर्त मतलब दाएं, दाएं मतलब राइट, और राइट मतलब क्या है, दक्षिणावर्त को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। जैसे आपकी घड़ी टिक 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 करके घूमती रहती है, उसी तरीके से ये दक्षिणावर्त होता है। तो दक्षिणावर्त मतलब ऐसे 12 पे सुई होती है तो कहां जाती है, एक पे जाती है, दो पे जाती है, ऐसे घूमती है ना, इस टाइप से होता है क्लॉकवाइज, ऐसे करके, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, होता है ना, ये भैया क्लॉकवाइज। अब जैसे अगर बात करते वामावर्त की, ठीक है, वामावर्त मतलब क्या होता है, बायां, बायां मतलब क्या होता है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसमें घड़ी के विपरीत दिशा में, जैसे अब घड़ी के विपरीत दिशा में है तो घड़ी के विपरीत दिशा में हम ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, तो हम ये जाएंगे तो कैसे जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं, हम इनके क्वेश्चन पे नजर लगाते हैं और क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। ये तो हमारा नियम हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, हम लोगों ने नियम सीख लिया कि भैया जब दिशा बदलेगी तो हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग जान गए। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हमें और चीजें क्लियर होंगी जो कुछ बाकी रह गया। तो पहला कहता है, यदि यदि उत्तर पूर्व, यदि उत्तर पूर्व उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए तो पश्चिम दिशा क्या बन जाए, क्या बन जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। यदि उत्तर पूर्व क्या बन जाए, पश्चिम बन जाए, उत्तर पूर्व आपका पश्चिम बन जाए, तो हमें ये बताओ कि पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, यानी पश्चिम दिशा को हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमसे जानना चाहता है। ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि हम लोगों ने देखा कि भैया ये हमारे पास डायरेक्शन होती है, ये हमारे पास उत्तर है, ये हमारे पास दक्षिण है, ये हमारे पास पूर्व है। हम ऐसे लिख रहे हैं तो आराम से लिख रहे हैं, कोई पेपर हम दे नहीं रहे, समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है, जब पेपर में होंगे। अब उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम है, कहता है उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व होगा कहाँ, ये भैया उत्तर पूर्व है, ठीक है, ये उत्तर पूर्व है आप। कहता है यदि उत्तर पूर्व पश्चिम बन जाए, अगर उत्तर पूर्व हमारा पश्चिम बन जाए तो अगर हम उत्तर पूर्व को क्लॉक वाइज घुमाए तो कितना घूमेगा, ये 45 और ये 180, तो 180 में 45 जोड़ेंगे कितना आएगा, 225 डिग्री कैसा घूम गया, 225 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया, ठीक है। तो कहता है पश्चिम बन जाए तो पश्चिम दिशा क्या बन जाएगी, अब पश्चिम को भी क्लॉकवाइज कितना घुमा दो,
पश्चिम को भी क्लॉकवाइज कितना घुमा दो, ये भैया घुमा दो इसको, ये 180 और ये ऐसे करके ऐसे जाएगा यहां कहीं, ये भैया क्लॉकवाइज घूम रहा है 80 और ये कितना हो जाएगा, इसको भी उतना डिग्री घुमाना पड़ेगा दक्षिणावर्त 225 डिग्री। तो ये कहां आ गया, दक्षिण पूर्व, क्या हो गया, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपको समझ ना आया हो तो हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से देख लेते हैं। एक तो तरीका ये रहा, दूसरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व की बात कर रहा है, ये उत्तर पूर्व को कहता है, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा बन जाए, अगर उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा बन जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज अगर घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज कितना, ये 45 90, तो 90 45 कितना हो जाएगा, 90 9 135 डिग्री, 135 डिग्री कैसा घुमा, 135 डिग्री घुमा एंटी क्लॉकवाइज, कितना घुमा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और इसमें से क्या घुमा था, इसमें से 225 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया था, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ आंसर सेम आएगा, इस वजह से मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। बोले एंटी क्लॉकवाइज घूम गया 135 डिग्री, तो पूछ क्या रहा है, पश्चिम पूछ रहा है, तो पश्चिम को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, कितना 135 डिग्री, तो पश्चिम को घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 घूम गया, ये 45 घूम गया, तो कहाँ आ गया, दक्षिण पूर्व पे आ गया, और ये भैया कितना घूमा 135 डिग्री, आ गया दक्षिण पूर्व, यहां से भी क्या आ रहा था, दक्षिण पूर्व आ रहा था, तो ऐसे आपका क्लियर ना, ऐसे इन क्वेश्चनों को आप आसानी से कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं भाई, आगे अगर हम इसकी बात करें, अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया यदि, अगला क्वेश्चन है यदि उत्तर, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, बन जाए तो दक्षिण, तो दक्षिण दिशा क्या बनेगी, दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी। अब देखो यदि उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, ये उत्तर, ठीक है, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, कहता है उत्तर उत्तर पूर्व बन जाए, ये उत्तर पूर्व बन गया, ठीक है, और कितना घूमा, ये भैया घूमा, कितना घूमा भाई, ये घूमा हमारे पास क्लॉकवाइज कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, हमसे कहता है दक्षिण दिशा क्या बन जाएगी, तो दक्षिण दिशा को क्लॉकवाइज घुमा दो, दक्षिण दिशा को क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा दिया हमने, तो कितना बन जाएगा, ये भैया पश्चिम दक्षिण बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पश्चिम दक्षिण आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम दक्षिण आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब जो जैसे घुमाया जाए, ये भैया उत्तर से उत्तर पूर्व आने पे 45 डिग्री घुमा, क्या 45 डिग्री हमारे पास क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, ठीक है, तो हम इसको भी दक्षिण दिशा को भी 45 डिग्री कैसे घुमा देंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 45 डिग्री हमने घुमाया तो पश्चिम दक्षिण हो गया, यही आपका आंसर, ठीक है भैया, ऐसे कर लेना है इन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे जब दिशा परिवर्तित करेगा तो आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन,
सबसे बड़ी चीज होती है प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जान जाना, नियम जान जाना, उसी से कुछ नहीं होता है। आपको चीजें बेहतर तब हो पाती हैं जब आप ज्यादा से ज्यादा मैथ और रीजनिंग में प्रैक्टिस देते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतने अच्छे क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया कहता है, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, यदि दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए। वो वैरायटी क्वेश्चन चेंज करता है, इस वजह से प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो हमको बताइए दक्षिण क्या बनेगा, तो दक्षिण क्या बनेगा ये क्वेश्चन हमको दिया। इस क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे, देख लेते हैं क्या परिवर्तन आ रहा है। हमने देखा भैया ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। बोले दक्षिण पूर्व, पहले हम दक्षिण पूर्व पे जाएं, तो ये हमारा दक्षिण पूर्व था, ठीक है, ये हमारा दक्षिण पूर्व। कहता दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम बन जाए, क्या बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन जाए, दक्षिण पश्चिम बन गया। और भैया ये दक्षिण पश्चिम जब बना, दक्षिण पूर्व बना है ना दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व बना है दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पूर्व से हम कैसे घूमे, दक्षिण पूर्व से हम घूमे तो भैया कैसे घूमे, हम लोग घूमे क्लॉक वाइज घूमे, कितना घूमे, 45 ये 45 ये, तो 90 डिग्री घूम गए, कितना घूमे 90 डिग्री। वो पूंछ किसका रहा है, दक्षिण का पूंछ रहा है, तो दक्षिण को कितना घुमाएंगे 90 डिग्री घुमाएंगे, कैसे क्लॉक वाइज, कैसे घुमाएंगे क्लॉक वाइज घुमाएंगे। तो भैया दक्षिण को क्लॉक वाइज घुमाएंगे 90 डिग्री, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भैया पश्चिम बन जाएगा, क्या बन जाएगा पश्चिम बन जाएगा, पश्चिम आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को कर पाने में सक्षम हो पाए, हो रहा है ना, अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा करे तो भैया लाइक भी कर दिया करो, लाइक की भी अपनी एक अलग मर्यादा होती है, जब लाइक आप करेंगे ना तो हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है जिससे हम लोग चीजें और आपको बेहतर बता पाते हैं, मजा भी आता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसके अगले क्वेश्चन की बात, अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, उत्तर पूर्व बन जाए, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व बन जाए, ठीक है, तो पश्चिम क्या बनेगा, तो पश्चिम क्या बनेगा। तो सबसे पहले जानकारी लेनी होती है कि क्या कैसे घूम रहा है, ठीक है, तो ये घूमने के लिए हमको ये बनाना पड़ेगा, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, किसकी बात कर रहा है, दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम आपका इधर आएगा, ये हो गया दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम परिवर्तित किसमें हो रहा है, उत्तर पूर्व में परिवर्तित हो रहा है, ये उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो आप भैया इसमें कंडीशन बहुत अच्छी हो गई, चाहे आप क्लॉक वाइज घूमो 180 डिग्री, चाहे आप एंटी क्लॉक वाइज घूमो 180 डिग्री, हम क्लॉक वाइज घूमेंगे 180, ठीक है। तो पश्चिम है तो अपना अपोजिट हो जाएगा, पश्चिम क्या हो जाएगा, अपना अपोजिट, तो पश्चिम का अपोजिट क्या है, पूर्व है, पश्चिम से घूमना है 180 डिग्री, क्लॉक वाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉक वाइज घूमो, एक बात रहेगी, तो क्या आ जाएगा, पूर्व आ जाएगा, पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पूर्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भैया दक्षिण पश्चिम था, उत्तर पूर्व हमने देखा तो क्या हुआ 180 डिग्री, चाहे हम क्लॉकवाइज जाएं और चाहे 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएं, तो हमने देखा भैया वो बात किसकी करता है, पश्चिम की करता है। पश्चिम से हम 180 डिग्री अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी पूर्व पे पहुंचेंगे, अगर पश्चिम से हम 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तब भी पूर्व पे पहुंचेंगे। इस वजह से हमने इसको ऐसे किया, अपोजिट पश्चिम का अपोजिट क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। तो ऐसे आप इनको समझ, क्लियर। अब आते हैं आगे, अब हम आते हैं आगे। एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट आ रहा है, हल्का सा मोड़ आ रहा है। कहता है एक घड़ी में 3 बजे है, एक घड़ी में 3 बजे हैं, ठीक है। यदि इस समय मिनट की सुई, यदि इस समय मिनट की सुई 1 बजे तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी, तो घंटे की सुई किस दिशा में, किस दिशा में, ये पूछा। ध्यान देना, जब हम घड़ी 3 बज रही होती है तो कुछ इस टाइप से नजारा होता है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9। हमारे पास जो घंटे वाली सुई होती है 3 पे और जो मिनट वाली सुई होती है वो 12 पे होती है। कहता है 3 बजा है, ठीक है, तो हम किसी में दिखा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है हमारा, ये पश्चिम है, ठीक है। कहता है घड़ी में 3 बजे यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर हो, उत्तर पूर्व तो हमारा ये दिशा हो जाएगी, ये वाली दिशा उत्तर पूर्व की हो जाएगी। कहता है मिनट वाली सुई हमारी इसमें है, तो इसका मतलब वो घुमा रहा है इसको, कैसे घुमा रहा है, कैसे घुमा रहा है, क्लॉक वाइज घुमा रहा है, कितने डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री घुमा रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त, क्या होगा, दक्षिणा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि घंटे की सुई, तो घंटे की सुई हमारी किस दिशा पे है, पूर्व दिशा पे है, और पूर्व दिशा से हमको दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज घूमना है, कितना, 45 डिग्री अगर घूम जाएंगे तो हम इस दिशा में पहुंच जाएंगे, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूर्व की दिशा हो जाएगी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं, जिस दिशा को घुमा रहा हो उसको ये देखना है किस एंगल पे घुमा रहा है और कैसे घुमा रहा है। अगर दक्षिणावर्त आप घुमाएं तो दक्षिणावर्त दूसरे वाले को घुमाएं, अगर दूसरे पहले वाले को हम वामावर्त घुमाते हैं तो दूसरे वाले को भी वामावर्त घुमा के देखना होगा, तब आंसर सही आएगा। ये भैया नियम कानून बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है, तभी आप इनको कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सीधे आपको एग्जाम में मिलेंगे और आप फिर आपको फिर मजा आएगा, यहाँ हमने कुछ पढ़ा कि पहले। एक क्वेश्चन है एक घड़ी में 9 बजा है, 9 बजे हैं, 9 बजे हैं, यदि इस समय मिनट की सुई, यदि इस समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर
उत्तर पश्चिम की ओर हो, तब घंटे की सुई, तब घंटे की सुई, तब घंटे की सुई किस दिशा में ये जाती है। फिर बनाओ भाई घड़ी, ये 12, ये 9, ये 3, ये 6, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। 9 बजा है, ठीक है। कहता है यदि समय मिनट की सुई उत्तर पश्चिम की ओर है। अब उत्तर को क्या बोल रहा है, उत्तर पश्चिम बोल रहा है, तो उत्तर पश्चिम इस दिशा में जाएगा। तो कितना घूम रहा है, 45 डिग्री घूम रहा है। कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक वाइज कितना घूम रहा है, 45 डिग्री। पूछ किसको रहा है, कहता है घंटे की सुई। अब घंटे की सुई पश्चिम में है, इसको हम अगर एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो 45 डिग्री घुमाएंगे, ठीक है। 45 डिग्री घूमेगा तो ऐसे घूमेगा, तो क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण आपका, क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण आपका आंसर आएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर, कोई दिक्कत भाई, ऐसे आप कर पाएंगे, ऐसे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बातें भाई आप लोग ध्यान, ठीक। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन की चर्चा और है। एक घड़ी में 4:30 बजे, यदि समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, यदि इस समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में, ठीक है, ये जानना चाहिए। ये भैया 12, ये 3, ये 9, ये 6, ये 5, ये 4, ठीक है। अगर बज रहा है 4:30, तो 4 और 5 के बीच में ऐसे ये आपकी होगी कौन, मिनट वाली सुई ऐसे होगी, और ये आपकी सुई घंटे वाली ऐसे होगी 4 और 5 के बीच में, और ये ऐसे होगी। कहता है कि भैया यदि समय घंटे की सुई दक्षिण पश्चिम की ओर है, वैसे देखा जाए तो ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो वैसे देखा जाए तो किस दिशा में है, दक्षिण पूर्व में है, लेकिन वो बता क्या रहा है कि दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम में आएगा तो कितना घूमेगा, ये घूम जाएगा 90 डिग्री। कितना घूमेगा, 90 डिग्री घूम जाएगा। 90 डिग्री कैसा घूमा, क्लॉक वाइज। 90 डिग्री हमने कितना घुमाया, 90 डिग्री हमने घुमाया कितना, क्लॉक वाइज, ठीक है। 90 डिग्री हमने क्लॉक वाइज घुमाया। तो अब हमसे पूछ क्या रहा है, मिनट की सुई पूछ रहा है। मिनट की सुई हमारी कहां पे है, दक्षिण पे है, तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 90 डिग्री घूमेगा तो कहां पहुंचेगा, तो भैया ये पहुंचेगा तो कहां पे था, दक्षिण पे था। दक्षिण से इसको 90 डिग्री घुमाएंगे, कैसा, क्लॉकवाइज अगर हम 90 डिग्री घुमाते हैं तो कहां पहुंच जाएंगे, हम लोग पहुंच जाएंगे पश्चिम में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, पश्चिम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर ना, तो ऐसे भैया ये क्वेश्चन आप
कर पाएंगे, आसानी से ये क्वेश्चन हो पाएंगे आपसे। तो भैया इस ये टाइप आपका यहीं से फिनिश होता है, ठीक है। अब उसके बाद जहां अगले वीडियो पे चर्चा करेंगे तो इसके आगे चर्चा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ आएंगी, बहुत डीप आपको बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करा के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जिससे आप अच्छे से सफल हो पाए। लेकिन अब भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं ना तो ये आपके अंदर कमी है, हमारे अंदर, ठीक है, आपके अंदर कमी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बताइएगा और एक लाइक जरूर बनता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो आपको विधवा चीज़ें डेली आपको अपडेट मिलती रहेंगी। बस आज के लिए इतना ही।